हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल सॉल्यूशन। लेटेस्ट अपडेट के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप ईग्राम स्वराज पोर्टल से सारे स्कीम मोबाइल पे एम एक्शन सॉफ्ट एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर सके जियो टैगिंग के लिए। तो जानने के लिए इस वीडियो को एकदम आखिर तक देखिए और ध्यान से देखिए। सबसे पहले लॉगिन करने के बाद यहाँ पे प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में जाके ऐड करना होगा और यहाँ पे देखिए पहले आपको एक्टिविटी टाइप सेलेक्ट करना होगा, फिर गेट डेटा। तो यहाँ पे देखिए आपने जिन स्कीमों का स्टेटस आपने चेंज किया था, ऑनगोइंग किया था, वो सारे स्कीम यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए डायने और फिजिकल प्रोग्रेस, यहाँ पे क्लिक कीजिए फिर ओके। तो यहाँ पे देखिए अभी आपको देखिए वर्क स्टेज, यहाँ पे देखिए आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, ऑनसेट वर्क, ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड कंप्लीट वर्क। तो आपको सबसे पहले ऑनसेट वर्क को सिलेक्ट करना है और एक डेट चूज करना है, मतलब कि कब आपका स्कीम सेट हुआ है, फाइनलाइज हुआ है आपका स्कीम फील्ड पे उतरने के लिए। तो उसके बाद सेव कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सेव करने के बाद यहाँ पे सेव सक्सेसफुली दिखाएगा, फिर उसको ओके कीजिए और एक बार कीजिए, ट्राई करते हैं। चलिए गेट डेटा पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे फिर से फिजिकल प्रोग्रेस, फिर ओके। और उसके बाद यहाँ पे आपको वर्क स्टेज पे जाके ऑन सेट वर्क सिलेक्ट करना है। ये मतलब कि आप जब पहली बार जियो टैग करने के बाद ये स्कीम आपको फिर से ई ग्राम स्वराज पोर्टल में आके ये ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन सिलेक्ट करना है, फिर आपको जियो टैगिंग करना है एक बार, फिर से आके यहाँ पे वापस आके इसको कंप्लीट करना है, कंप्लीशन ऑफ वर्क ये सिलेक्ट करना है स्कीम का कंप्लीट जियो टैगिंग करने के लिए। तो ई ग्राम स्वराज और एम एक्शन सॉफ्ट आपको एक ही साथ साथ मैनेज करना होगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि एम एक्शन सॉफ्ट एप्लीकेशन में आप कैसे स्कीम्स को जियो टैगिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल पे एम एक्शन सॉफ्ट एप्लीकेशन ओपन करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अभी आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देके आपको लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड देके मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैप्चर वर्क डिटेल्स ये ऑप्शन दे रहा है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर देखिए यहाँ पे मास्टर डेटा, फिर आपको प्लान यूनिट और फिनेंशियल ईयर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद डाउनलोड डेटा, देखिए आप सारे स्कीम का जो डिटेल्स है वो अभी यहाँ पे इंपोर्ट होगा ई ग्राम स्वराज पोर्टल से, जितने भी स्कीम का आपने फिजिकल प्रोग्रेस किया था। तो अभी देखिए कैप्चर वर्क डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको सेटिंग्स, मतलब आपका लोकेशन ऑन होना चाहिए, तो हम लोकेशन को ऑन करेंगे। और पहले आप प्लान यूनिट सिलेक्ट कीजिए, मतलब कि जीपी का नाम सिलेक्ट कीजिए, फिर ईयर सिलेक्ट कीजिए। अभी वर्क नेम यहाँ पे देखिए सारे स्कीम्स आपको शो करेगा, जितने भी स्कीम्स का आपने फिजिकल प्रोग्रेस किया था वो सारे स्कीम शो करेगा। तो अभी आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है स्टेप बाय स्टेप, फिर आपको देखिए यहाँ पे टेक फोटो यहाँ पे क्लिक करना है, फिर फोटो कैप्चर करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक करना है। तो बस ये स्कीम आपका बिफोर वर्क स्टार्ट आपका जियो टैग हो चुका है। तो अभी आपको फिर से ई ग्राम स्वराज में जाना होगा और फिजिकल प्रोग्रेस में जाके उसको ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन स्टेज को सिलेक्ट करना है,
फिर वो स्कीम आपके मोबाइल पे ड्यूरिंग स्टेज के लिए जियो टैग करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो।